CR International School online classes. How are you, student? I think everyone is fine there. Take care yourself, beta. Class यानी कक्षा कौन सी आपकी कक्षा पहली? विषय कौन सा पढ़ने जा रहे बेटा? हम हिंदी. हिंदी में क्या चल रहा है बेटा? हमारा revision. अब हम कौन सा revision कर रहे हैं? Revision part 6 का कर रहे हैं. जो इसमें क्या है? छोटी U की मात्रा. ठीक है, हमने छोटी U की मात्रा के कुछ शब्द देखे थे और आपको कहा था कि और भी शब्द याद करके अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है ना. अब हम देखेंगे बेटा इसी पार्ट कौन सा छे छोटी U की मात्रा के कुछ शब्द जो इसका है. हम क्या देखेंगे? अभ्यास देखेंगे. क्या देखेंगे? अभ्यास, जो कि किस पे है? पेज नंबर 22 पर. क्या है ये? पेज नंबर 22. और इस वर्क को हम किस में करेंगे? अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे. ठीक है, आप देखेंगे बेटा पेज नंबर 22 पे क्या अभ्यास है. नीचे लिखे शब्दों में उचित स्थान पर U यानी छोटे U की मात्रा लगाकर पुनः लिखिए. आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, इसे कौन सी मात्रा लगानी है? छोटे U की मात्रा, जो कि कैसे लगती है? इस तरीके से लगती है. इसे लगाकर इस वक्त इस शब्द को क्या करना है? दोबारा से लिखना है. ठीक है बेटा, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. क्या है बेटा? बखार. क्या है? बखार. अगर बखार को छोटे U की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? चलो बना के देखते हैं. ब उ ख आ र, क्या बन गया? बखार का क्या बन गया? बुखार. क्या बन गया? बुखार. नेक्स्ट क्या है? सफारी. सफारी को अगर छोटी U की मात्रा लगा रहे तो क्या बन गया? स उ प आ र ई, सुपारी. क्या बन गया? सुपारी. नेक्स्ट क्या है? बलबल. बलबल को अगर छोटी U की मात्रा लगा रहे तो क्या बन जाएगा? ब उ ल ब उ ल, क्या बन गया? बुल बुल. क्या बन गया? बुलबुल. नेक्स्ट क्या है? सराही. सराही को लगाते हैं स उ र आ ह ई, क्या बन गया? सुराही. क्या बन गया? सुराही. एक बार पढ़ते हैं दोबारा से. क्या है? बखार बुखार, सफारी सुपारी, बलबल बुलबुल, सराही सुराही. ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है बेटा? क्या दिया गया? उचित शब्द को चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें चुनकर आपको जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें लिखना है और वाक्य को पूरा करना है. ठीक है, चलो क नंबर पे देखते क्या है. राजन डैश खा. क्या खा? आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, कुटिया जामुन कछुआ या बटवा. क्या खा सकते हैं? हम जामुन खा सकते हैं, राजन भी जामुन खा सकता है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? जा मु न. क्या? जामुन. और इसे करेंगे अंडरलाइन ताकि रिक्त स्थान हमारा क्लियरली देखिए हमने आंसर क्या लिखा, उत्तर क्या लिखा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यह साधु की डैश है. साधु की क्या होती है? कुटिया होती है, कछुआ होता है, बटवा होता है. क्या होती है? कुटिया. तो यहाँ क्या लिखेंगे? कुटिया. ठीक है, साधु की क्या है? कुटिया. नेक्स्ट क्या है बेटा? यह साधु की कुटिया है. नेक्स्ट क्या है? रुचि बाजार से डैश ला. क्या ला? कछुआ ला या बटवा ला? क्या ला? बटवा ला. तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर? ब टू आ. क्या आएगा? बटुआ. क्या आएगा आंसर? बटुआ. क्या है? रुचि बाजार से बटुआ ला. नेक्स्ट क्या है? डैश जल में रहता है. कौन रहता है? कौन रहता है? कछुआ. तो क्या यहाँ पर लिखेंगे? क छु आ. और इसे कर देंगे अंडरलाइन. क्या रहता है? कछुआ जल में रहता है. चलो दोबारा से पढ़ते हैं इसे. राजन जामुन खा. यह साधु की कुटिया है. रुचि बाजार से बटवाला. कछुआ जल में रहता है. आपने ये दोनों वर्ग को किस में लिखना है? अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है. और कैसे लिखना है? लर्न करके राइट करना है. और राइटिंग कैसे करनी है? सभी बच्चों ने राइटिंग कैसे करनी है? बहुत ब्यूटीफुल करनी है. ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. बाय बाय बेटा.